So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be learning about various type of throws and attacks which you can use against your opponent. So सबसे पहला हमारा जो throw होता है वो है हमारा right hip throw. As shown in the picture which is given here, right hip throw में क्या होता है कि आप अपने opponent को उसकी hip के area के ऊपर से पकड़ते हैं और आगे की तरफ फेंकते हैं. That is the right hip throw. So this is the procedure which is given here. This is a very brief and very easy language which is given for the procedure. You can read it, but जब आपको picture से समझ आ रहा है, so why we have to read it? So you have to understand through pictures. That will be very easy approach to know this. The ankle and shoulder throw. Ankle and shoulder throw में क्या होता है कि आप अपने opponent को उनकी ankle से पकड़ते हैं और आगे की तरफ फेंकते हैं. That is the ankle and shoulder throw. Next one is over shoulder throw. Over shoulder throw में क्या होता है कि आप अपने opponent को अपने shoulders पर उठा लेते हैं और फिर आगे की तरफ फेंकते हैं. That is the over shoulder throw. Next one is the rugby tackle. Rugby tackle में क्या होता है कि आप अपने opponent को hip के नीचे वाले area से जो होता है वहां से पकड़ते हैं और आगे की तरफ फेंकते हैं. That is the rugby tackle. The next one is arm throw. आर्म थ्रो में क्या होता है कि आप अपने ओपोनेंट को उसका जो आर्म होता है, उसका जो हाथ रखा होता है वो आपके शोल्डर पे रखा होता है, तो आप अपने ओपोनेंट को उसके आर्म से पकड़ते हैं और फिर आगे की तरफ फेंकते हैं. दैट इज द आर्म थ्रो. द नेक्स्ट वन इज स्टमक थ्रो. स्टमक थ्रो क्या होता है, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट थ्रो, कि आप अपने ओपोनेंट को पहले कॉलर से पकड़ते हैं और फिर उसे अपने ऊपर ले आते हैं इन द लेइंग पोजिशन, और उसके बाद नीचे लेकर आके आप उसकी स्टमक पर बैठ जाते हैं, अपने ओपोनेंट की स्टमक पर जब आप बैठते हैं. सो दैट इज स्टमक थ्रो. एंड देन वी हैव आवर अटैक्स. अटैक्स में सबसे पहला अटैक दिया हुआ है चिन जैब. चिन जैब बहुत ही कॉमन अटैक होता है. मोस्टली ये राइट हैंड से होता है क्योंकि राइट हैंड पोजेसेस मोर पावर. बट जो लेफ्टीज होते हैं वो अपना लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं चिन जैब के लिए, जब आप अपने पूरे फुल प्रेशर के साथ अपने हैंड को ओपोनेंट की चिन पे मारते हैं. दैट इज द चिन जैब. द नेक्स्ट वन इज द नी ब्लो. नी ब्लो में आप अपने ओपोनेंट की नीज पर बहुत जोर से अपनी नीज मारते हैं ताकि वो ठीक से ना खड़ा हो पाए. नेक्स्ट वन इज द स्टैम्प. स्टैम्प क्या होता है कि जब आप नीज के पीछे वाला जो एरिया होता है वहां पर अपने ओपोनेंट को अटैक करते हैं उसे हम स्टैम्प अटैक बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज फुल नेल्सन. फुल नेल्सन में क्या होता है कि आप अपने ओपोनेंट के आर्मपिट्स के अंदर से अपने हाथ लेकर लेके जाते हैं और उसके हेड पर रेस्ट करवाते हैं और वहां से आप प्रेशर देते हैं. तो उसके हेड पर तो प्रेशर डाउनवर्ड पड़ता है लेकिन आर्मपिट्स पर अपवर्ड प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है उनके हेड शोल्डर और जो हेड वाला नेक वाला एरिया होता है वहां पर प्रेशर पड़ने की वजह से उनको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचती है. द नेक्स्ट वन इज द रिस्ट लॉक. रिस्ट लॉक में क्या होता है कि आप अपने ओपोनेंट को अपने दोनों हाथों के रिस्ट के अंदर ले लेते हैं और फिर वहां से उसको स्ट्रैंगल करने का ट्राई करते हैं. नेक्स्ट वन इज द किक. किक इज अ वेरी कॉमन. जब आप किसी भी अपने किक के थ्रू फुल फोर्स मारते हैं अपने लेग से उसे हम किक बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द डिफेंस अगेंस्ट किक. डिफेंस अगेंस्ट किक में क्या होता है कि जिस लेग से आपको ओपोनेंट आपको किक मार रहा है उस लेग को आपको पकड़ लेना है और फिर उस लेग को आप जब ट्विस्ट करते हैं दैट इज द डिफेंस अगेंस्ट द किक अटैक. नेक्स्ट वन इज रियल स्ट्रैंगल होल्ड. रियल स्ट्रैंगल होल्ड में क्या होता है कि आप अपने ओपोनेंट को पीछे से अपने दोनों हाथ लॉक कर लेते हैं तो उस जो नेक होती है वहां पर आप प्रेशर देते हैं जिसकी वजह से जिसे गला दबाना बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रियल स्ट्रैंगल थ्रो अटैक. नेक्स्ट वन इज फ्रंट स्ट्रैंगल होल्ड. फ्रंट में क्या होता है कि आप अपने ओपोनेंट के आगे की तरफ से उनको करके उनके नेक पर प्रेशर डालते हैं उसे हम फ्रंट स्ट्रैंगल होल्ड बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज क्रॉस कॉलर स्ट्रैंगल होल्ड. क्रॉस कॉलर स्ट्रैंगल होल्ड में क्या होता है कि आप अपने ओपोनेंट को जो कॉलर वाला एरिया होता है वहां से पकड़कर प्रेशर डालते हैं उसे हम क्रॉस कॉलर स्ट्रैंगल होल्ड बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज जापनीज स्ट्रैंगल होल्ड. जापनीज स्ट्रैंगल होल्ड में क्या होता है कि आप अपने आपका जो राइट हैंड होता है उसको अपने ओपोनेंट के सर पर रखकर जब आप प्रेशर करते हैं जो मेन अबव हेड एरिया होता है वहां पर जब आप प्रेशर प्रोवाइड करते हैं अपने ओपोनेंट के तो उनके हेड वाले एरिया में इंजरी पहुंचती है. सो दैट इज जापनीज स्ट्रैंगल होल्ड अटैक. नेक्स्ट इज काउंटर अटैक टू फ्रंट स्ट्रैंगल होल्ड. जो लास्ट के टू हैं दीज आर द काउंटर अटैक्स टू द फ्रंट स्ट्रैंगल एंड रियर स्ट्रैंगल होल्ड. कि जब आपको ओपोनेंट आपको आगे की तरफ से गले से पकड़ लेते हैं तो आपको क्या करना है कि जो हाथ लॉक हुए हुए हैं आपके ओपोनेंट के अपनी नेक पर उन हाथों को आपको अनलॉक करना है और फिर अपने उन हाथों को अनलॉक कर अपने ओपोनेंट को पीछे से पकड़कर ही आगे फेंकना है. तो दैट इज द काउंटर अटैक. दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं बट यू हैव टू जब आपको ओपोनेंट आपको आगे की तरफ से अटैक कर रहा है तो तब भी आपको उसे अनलॉक करना है उनके हाथों को और पीछे से अटैक कर रहा है सो देन ऑल्सो यू हैव टू अनलॉक दी हैंड्स ऑफ योर ओपोनेंट एंड देन थ्रो योर ओपोनेंट इन एनी डायरेक्शन एज योर बॉडी फील्स कंफर्टेबल. So this is it about the throws and attacks. I hope you're able to understand them with the help of the pictures.
So thank you so much for watching this video.